इंडियाना फूड आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी आलू गोंडे, जो कि हम सिंघाड़े के आटे के आलू गोंडा बनाएंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 आलू ले लिए, उसको उबाल लिया अच्छे से। अब हम इसको छील के रख रहे हैं, इसको हम अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको आलू को छील के अच्छे से रख लिया है। अब हम आलू की सब्जी बनाएंगे, इसको अच्छे से हम कट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कट करके रख लिया है। अब हम यहाँ पे आलू की सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसके बाद हम इस पे मिर्च डालेंगे, कट करके रखेंगे। और इसके बाद अदरक डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर देंगे। हल्की सी काले मिर्च डालेंगे और इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। बाद हम इसमें हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे कि हम फलाहारी बना रहे हैं व्रत के लिए, तो इसमें हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब साइड बाय साइड हम सिंघाड़े का आटा ले लिया है हमने, और लगभग कुछ 1 कटोरी है ये, और इसको हम अच्छे से इसका बैटर बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। काले मिर्च डालेंगे, हल्का सा अदरक और मिर्च डालेंगे और इसका एक बढ़िया सा बैटर बनाएंगे। अब इसमें लगभग 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर जो है रेडी हो गया है। हमको अपना बैटर रखना है। सकते हैं, यहाँ पे हमने आलू की सब्जी बना के तैयार कर ली है। और पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे तेल को डाल दिया है और इसे कुछ देर तक गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे आलू की सब्जी के। आटे के गोंडे बन के तैयार हो गए हैं और ये फलाहारी में अब खाए जा सकते हैं। इसके साथ हमने टमाटर की चटनी भी बना ली है। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।